काफी मुस्लिम भाई बहन भी इस बात को समझ रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियों से सभी को हानि है, हमें ही नहीं सभी को हानि है, इस बात को सब समझ चुके हैं और 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। हमारे आदिवासी आज भी ताली लकड़ी बेच करके अपना जीवन, किसी के शरीर में वस्त्र नहीं है, गंजी फटा हुआ है, रोटी पेट में नहीं है, पानी भात खा करके जीवित रहते हैं और हमारे यहाँ नोटों का भंडार पकड़ाते हैं, नोटों का अंबार आपने देखा होगा। ये लोगों को अंदर आत्मा से जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनको ठगने का काम कर रही है, क्योंकि पारंपरिक हथियार जो होता है तीर धनुष, वह उनका हमारे आदिवासी भाई बहन उनको पूजते हैं, उन्हीं का यह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वोट बैंक के कारण यह राजनीतिक हो रही है। आज उधर के वोट बैंक बढ़ रहे हैं ताकि सिर्फ वोट बैंक के लिए ये घुसपैठिए आ रहे हैं और आपके राज्य में रह करके अपना पांव पसार रहे हैं। लूटा हुआ पत्थर बाहर जा रहे हैं, अलग राज्य जा रहे हैं, यहाँ तक पेट नहीं भरा तो विदेश भेज रहे हैं। पहले तो ट्रक का ट्रक ओवरलोड भेजते हैं जिसके कारण हमारा रोड खराब हो जाता है। आज रोड कम गड्ढा ज्यादा दिखता है, इसका क्या है? क्योंकि ओवरलोड बेचा जाता है बालू, ओवरलोड भेजा जा जाता है पत्थर, कोयला बेची जाती है, यहाँ तक कि जहाज भर भर के ले जा रहा था, परमात्मा का देन देखिए जहाज डूब जाता है। आप बताएं कि ये पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, अलग राज्य अलग देश में भी हमारे यहाँ के पत्थरों से चमचमाती रोड बनती है, हमारे यहाँ के कोयला से चमचमाती रोशनी बिजली उत्पादन होता है और हमारे झारखंड का ये हाल है। जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ की दुर्दशा देखिए, न पीने का अच्छा पानी है, न चलने को सड़क है, न अच्छी बिजली है। आप बताएं कि जहां से मुख्यमंत्री है वहां का ये स्थिति है। इसी के साथ मैं आया हूं कि आज हमारे यहां बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग पलायन कर रहे हैं, जिस जिला में मुख्यमंत्री है वहां के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। एक बार फिर हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हुए हैं। आप जान रहे हैं कि जब से चुनावी का घोषणा हुआ है यहाँ के सभी प्रत्याशी हो चाहे जितने भी पार्टी के हो सभी लोग चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज हमारे साथ में राजमहल विधानसभा क्षेत्र पे बात करने के लिए भाजपा के जो नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम जी हैं हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार मंडल जी। तो आज उनसे हम समझेंगे कि चुनावी एजेंडा क्या भाजपा के पास में चुनावी एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बांग्लादेशी की बात हो, विकास कार्य की बात हो, तो लगातार यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इनका क्या कहना है और ये चुनावी जो अभी मैदान में ये भी उतरे हुए हैं लगातार, चाहे वो अनंत ओझा जी के लिए प्रचार कर रहे हों, चाहे वो लोबिन जी के लिए प्रचार कर रहे हों, तो उनमें क्या देख रहे हैं और लोगों से क्या रुझान मिल रहा है। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि लगातार चुनावी अभियान चल रहा है आपके माध्यम से, आप भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, जनसभा को करते दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस पर, जनता का मूड किस ओर लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने माध्यम से जनता के बीच बात रखने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। मैं पूरे राजमहल विधानसभा एवं बोरियो विधानसभा एवं पूरे झारखंड प्रदेश के जनता को नमस्कार जोहार करता हूं। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है यह यहां के जो भ्रष्टाचार है उस मुद्दे को सबसे पहले उठाती है और माटी रोटी बेटी की सुरक्षा के लिए जो संकल्प उन्होंने किया है, दीदी गोगो योजना आरंभ किया है, यह जनहित में बहुत लाभकारी है। आप जान रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में हमारा साहेबगंज जिला ऐसा जगह है जहाँ की बालू हो या पत्थर हो या कोयला हो, ये सारे खनिज पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं। आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं 15 साल से ज़्यादा सक्रिय रहा राजनीतिक में, जिला उपाध्यक्ष था मैं और हमारे साथ लोबिन हेमब्रम जी थे, हम लोबिन हेमब्रम जी के साथ कई सभा को संबोधित किए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी धारणा प्रदर्शन में साथ रहे और आज ये विडंबना है हमारे शहर की कि ये पत्थर का व्यवसाय हो, कोयले का व्यवसाय हो, सिर्फ लूट मचा हुआ है। आप बताएं
कि ये पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, अलग राज्य अलग देश में भी हमारे यहाँ के पत्थरों से चमचमाती रोड बनती है, हमारे यहाँ के कोयला से चमचमाती रोशनी बिजली उत्पादन होता है और हमारे झारखंड का ये हाल है। हमारे जिले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हमारे बरहेट विधानसभा की है, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ की दुर्दशा देखिए, न पीने का अच्छा पानी है, न चलने को सड़क है, न अच्छी बिजली है। आप बताएं कि जहां से मुख्यमंत्री है वहां का ये स्थिति है। इसी एजेंडा के साथ मैं आया हूं कि आज हमारे यहां बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग पलायन कर रहे हैं। जिस जिला में मुख्यमंत्री है वहां के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएँ हुई थी हमारे सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री के थे, उसने अगले चुनाव में पिछले चुनाव में उन्होंने बड़ी घोषणा की थी। उनको हमारे लोविन बाबू ने आईना दिखाने के काम किया था कि उनके समक्ष ही उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, युवाओं को नौकरी देने के लिए काफ़ी विकास की बातें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके कारण हमारे लोविन बाबू ने बात उठाते उठाते विधानसभा से लेकर सड़क तक सदन तक आईना दिखाया, माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात को नहीं माना। आज हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन बंधु आज तीर धनुष को पूजते हैं और उस पर बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री को जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद आप बताएं, आप जनता से देखें कि क्या हाल में है हमारे आदिवासी। आज भी ताली लकड़ी बेच करके अपना जीवन, किसी के शरीर में वस्त्र नहीं है, गंजी फटा हुआ है, रोटी पेट में नहीं है, पानी भात खा करके जीवित रहते हैं और हमारे यहाँ नोटों का भंडार पकड़ाते हैं, नोटों का अंबार आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधुओं ने उसको प्रकाशित किया ईडी के द्वारा, कितनी जब्त हुई पैसा। आप बताओ वो जन कल्याण का जनता का लूटा हुआ पैसा, जनता के लूटा हुआ पत्थर बाहर जा रहे हैं, अलग राज्य जा रहे हैं, यहाँ तक पेट नहीं भरा तो विदेश भेज रहे हैं। पहले तो ट्रक का ट्रक ओवरलोड भेजते हैं जिसके कारण हमारा रोड खराब हो जाता है। आज रोड कम गड्ढा ज़्यादा दिखता है, इसका क्या है? क्योंकि ओवरलोड बेचा जाता है बालू, ओवरलोड भेजा जाता है पत्थर, कोयला बेची जाती है, यहाँ तक कि जहाज भर भर के ले जा रहा था, परमात्मा का देन देखिए जहाज डूब जाता है, मालगाड़ी से भेजा जा रहा है बांग्लादेश, हमारे यहाँ का पत्थर दूसरे देश में चमचमाती रोड बन रही है, हम गड्ढा में तब्दील हैं। आप जाकर के देखें, आपका एक सफर में अगर आपकी कमर में दर्द नहीं हो गई तो आप मुझे कहना, मैं क्या कहूं, जनता जवाब देगी और चुनाव में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुंह तोड़ जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा ये गठबंधन की सरकार नहीं, ठगबंधन की सरकार है। मैं इसी के साथ आपको कहता हूं कि जनता से देखें, इस बार जनता चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट दे करके लोगों को यह जिताएगी कि कितने परेशान और इस सरकार में ठग का सामना कर रहे हैं। हम पुनः लोगों से आग्रह करेंगे कि 100% मतदान करें और अपने नेता को, अपने राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे बनाएं जो कि जनहित में काम करे। इसी यही बात है और यही मुद्दा को लेकर के हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि आप चुनते हैं मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ वोट देते हैं झामुमो को, लेकिन राज करता है कोई तीसरा पार्टी, प्रतिनिधित्व करता है तीसरा पार्टी, तीसरे लोग यहाँ के सब कुछ बन जाते हैं और वोटर ठगने का शिकार हो रहे हैं। आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में विकास के नाम पर सिर्फ ठग हुआ है। आप बताएं कि विकास के नाम पर इन्होंने कई ऐसी बातें की जो अटपटांग है। उन्होंने कहते हैं कि मैं पुल बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, नाली बना रहा हूँ, और एक तरफ बालू को बोलते हैं कि बंद कर बैठा हूं। आप बताएं, आप भी जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है कि आज हमें आवास बनाने के लिए सरकार पैसा मुहैया कराती है और बालू नहीं देती है। बालू एक एक ट्रक 80,000 70,000 60,000 में बिकता है, लेकिन सरकारी खजाने में एक रुपया भी नहीं जाता है। जनता के हित की कोई भावना का ख्याल नहीं रखते हैं, सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। यही मुद्दों के साथ हम लोगों को जन जन में जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को इस बात का मैं जवाब पूछने को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे जो भी प्रतिद्वंदित हैं झामुओं के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा विकास कर रहे हो आप,
बालू बंद करके कोई विकास हो सकता? मिट्टी से आप छत बनाओगे, जमीन बनाओगे, रोड बनाओगे, हो संभव है? कुछ पलों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमेशा विपक्ष जो आपका है वो आरोप लगा रहे कि भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, हमेशा वो डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रही है। आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है क्या? आप बताएं कि हम लोगों का झारखंड का यह साहेबगंज जिला जो है, एक तरफ बंगाल है, दूसरे तरफ बिहार है, दोनों बॉर्डर हमारे साहेबगंज जिला से टच होती है। आप आज देखेंगे कि संथाल आदिवासी हमारे यहाँ के गरीब भोली भाले जनता कम हो रहा है, मूलवासी पलायन कर रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिया एकाएक बढ़ोतरी हो रही है, दोगुना तीन गुना वोटर बढ़ोतरी हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं और इसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका है। सिर्फ वोट बैंक के कारण यह राजनीतिक हो रही है। आज उधर के वोट बैंक बढ़ रहे हैं ताकि सिर्फ वोट बैंक के लिए ये घुसपैठिए आ रहे हैं और आपके राज्य में रह करके अपना पांव पसार रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आप कम पड़ोगे, वो ज़्यादा पड़ोगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे आपके वोट की बैंक की, आपका जो वोट है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसकी वोट ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह 100% सत्य है कि बंगला घुसपैठिए बांग्लादेशी हुए हैं और आगे न हो, इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन करें ताकि इस पर विराम लगे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोगों को रोटी माटी और बेटी सुरक्षित नहीं बचेंगे। मैं यही मुद्दों के साथ लोगों से जनहित में बात करना चाहता हूं, लोगों के दरवाजे खटखटा करके भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। तो आप तोझा जी के साथ में भी घूम रहे हैं और लोबिंदा के साथ में भी घूम रहे हैं, तो लोगों का क्या रुझान मिल रहा है इस पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, उसको दिखाने के लिए आप देखेंगे जहां भी हम लोगों की सभा हो रही है वहां लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग आ रहे हैं और इस बात को सुन करके अपना सहमति दर्ज करा रहे हैं। लोगों का बहुत अधिक संख्या में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा लोगों ने अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप यहाँ सरकार बनाओ और ये जो लूट खसोट की राजनीतिक है उसे बंद करें। तो यहाँ जो मूल रूप से आपका जो आपका राजभर विधानसभा में एमटी राजा जी आपका चुनावी टक्कर में है, तो क्या लग रहा है उनको, आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए एमटी राजा जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं, हम लोगों ने वर्षों साथ में काम किया है, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले दूसरे पार्टी में चले गए, इसी सब बातों को लेकर के पुनः उनकी वापसी हुई है। लेकिन वो भी अंदर से जानते हैं कि राजनीति क्या हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए अत्यंत आ रहे हैं, लेकिन वो हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से ये ठगबंधन की सरकार 5 साल किया है उनसे उनको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो उसी तरह से आपका लोबिन हेमरम जो खड़े हुए हैं उधर से आपका धनंजय सोरेन है, तो धनंजय सोरेन क्या पार्टी के लिए इस बार कुछ लोबिन हेमरम को कुछ कैसा लग रहा है चुनावी मुद्दा उनका? धनंजय सोरेन जी जमीनी स्तर पे लोग उसे पहचान नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सैम्बल है उनके आधार पर वो है और लोबिन बाबू लगातार अपने क्षेत्र में बढ़ते पत्थर व्यवसाय को, लूट खसोट को रोकने के लिए आवाज़ उठाया, उन्होंने जनता के हित में बात की, क्रेशर से जो प्रदूषण फैल रहा है उसके विषय में उन्होंने बात की, रोड जो खराब हो रहा है, जो अतिरिक्त ओवरलोड ट्रक चल रहा है और चोरी छुपे ले जाया जा रहा है बिहार अलग अलग राज्यों में, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने धारणा दिया, इसके फलस्वरूप आज उसे पार्टी से निष्कासित किया गया और आज पुनः जनता इस बात को समझ रही है। आज की भोली भाली जनता अब इनकी ठग में फंसने वाले नहीं है और अगले दान से भी ज़्यादा पिछले वर्ष जो चुना उससे ज्यादा मतों से लोबिन बाबू जीत करके पुनः जनता की आवाज बनकर के गूंजेंगे विधानसभा में। ये निश्चित तौर पे लोबिन बाबू की जीत होगी, यह हम लोग सुनिश्चित हैं। लोगों का आशीर्वाद बोल रहा है, आप भी देखेंगे, मीडिया बंधु भी देख रहे हैं कि लोगों का जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ रहा है लोबिन बाबू के पक्ष में।
आपने तो कह दिया कि चले अनंत ओझा जी जीत रहे हैं, लोबिंदा भी जीत रहे हैं, तो झारखंड में क्या लग रहा है, इस पर सरकार जेएमएम का बनेगा कि आपका भाजपा का? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे झामुमो के पुराने नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, जिन्होंने माननीय शिबू सोरेन के साथ लड़ करके इस झारखंड प्रदेश को अलग करवाने में जिनकी अहम भूमिका रही, वो नगण्य बचे हुए हैं पार्टी में। आप देखिए अभी हाल में दिनेश विलियम मरांडी, उसके माता पिता दोनों ने इस झारखंड के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया, और आज उसकी क्या कसूर थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। आप ही बताओ, आज हमारे वहां से चंपईदा हैं, चंपईदा के साथ क्या हुआ, आप बताइए। ये सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को अंदर आत्मा से जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनको ठगने का काम कर रही है, क्योंकि पारंपरिक हथियार जो होता है तीर धनुष, वह उनका हमारे आदिवासी भाई बहन उनको पूजते हैं, उन्हीं का यह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शिबू सोरेन की जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने मेहनत किया था, उनका बोया हुआ फसल यह काट रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक पारिवारिक बाद के वजह से यह आज चुनाव जीत रहे हैं। तो आप अंतिम सवाल, क्या पूरी तरह से निश्चित हैं कि यहाँ से राजमहल से और बोरियो से आपकी जीत सुनिश्चित है? निश्चित रूप से हाँ, बंगले घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कुछ वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन यह यहाँ की जनता समझती है कि वहाँ से जो लोग आए हैं वो आज ऐसा नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन बंधु जो हैं आज वो भी इससे ग्रसित हैं। आज वह बांग्लादेशी आएंगे, उसके घरों में रहेंगे, फिर बगल में जगह झोपड़ी बनाएंगे, फिर बिल्डिंग बनाएंगे, धीरे धीरे उनके घर पे भी कब्जा करेंगे। क्या यहाँ का रोड जन बनता है तो उस पे हमारे अल्पसंख्यक भाई नहीं चलते, क्रिश्चियन भाई नहीं चलते? जो भी सरकारी लाभ है वो सारा 70% लेते हैं, लेकिन वो उनको समझने की जरूरत है। और काफी मुस्लिम भाई बहन भी इस बात को समझ रहे हैं कि बांग्लादेश घुसपैठियों से सभी को हानि है, हमें ही नहीं सभी को हानि है, इस बात को सब समझ चुके हैं और 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। एक और अंतिम सवाल आपसे है कि आप पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में आप थे, उनके साथ में चुनावी जनसभा कर रहे थे और उन्होंने आपको जीत भी दिलाई, इस बार आप भाजपा के साथ हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है इस बार? निश्चित रूप से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मजबूत सिपाही के रूप में मैंने काम किया है और लोविन बाबू के विचारधारा से मैं प्रभावित था, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में तन मन से लगा रहा और कड़ी मेहनत के साथ सरकार बनाने में भी हमने काफ़ी योगदान किया है। आज उन्हीं के इन लूट खसोट और बिचौलियों की राजनीतिक से तंग आकर के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव था कार्यकर्ता, वो धीरे धीरे छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिचौलियों प्रभावी है, बाहर के लोग काफ़ी प्रभाव डाल करके यहाँ से लूट करके हमारे खनिज पदार्थ को ले जा रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हमारे लविन बाबू ने आवाज़ उठाया तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसलिए मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप देखें कि इस धरती को बचाने के लिए, इस जल जंगल के साथ माटी रोटी बेटी को बचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शामिल हुए हैं और मैं उस लूट की खसोट की और ठग बंधन की सरकार से तंग आकर के और आज भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर के मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को ग्रहण किया हूं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यह मैं सुनिश्चित हूं। लोगों का जो जनसैलाब उमड़ रहा है उससे यह निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो आपने देखा कि भी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता प्रेम कुमार मंडल जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि यहाँ झारखंड हो चाहे आपका राजमहल, झारखंड में जितने भी आपका राजमहल है, चाहे बोरियो हो, चाहे बरहेट हो, जितने भी सीट हैं, भाजपा पर पूरा दमखम के साथ जीतने जा रही है और भारी बहुमत से अपना वो जीत हासिल करेगी। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी।
खबर आपके हक की।